अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 49। आज के इस लेसन में हम लेंथन कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लेंथन कमांड क्या होती है, लेंथन कमांड में टोटल का क्या फंक्शन होता है, परसेंटेज का क्या फंक्शन होता है, डेल्टा एंड डायनामिक का क्या फंक्शन होता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ाने के लिए आप लेंथन कमांड यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया, सबसे पहले मैं लाइन एक देता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, 10 फीट की एक लाइन लगाता हूँ। तो मेरे पास यूनिट आई थिंक सेट नहीं है, तो यूनिट के लिए यहाँ से आप यूनिट सेट करें, पहले इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन मॉडिफाई में क्या, और इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच एंड ओके, सेट करंट एंड क्लोज, एल इंटर 10 फीट, जेड स्पेस ए स्पेस, ओके। हमें यहां पे कुछ काम करने जा रहा हूं जो कि लेंथन से रिलेटेड काम होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक डायमेंशन देता हूं। तो डायमेंशन के लिए यहाँ से आप डायमेंशन दें इसको और डेम स्केल इसका बढ़ा दें, डेम स्केल में करता हूँ 3 फिट, और यहाँ से आप डेम स्केल को अपडेट करने के लिए यूनिवर्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं अपडेट करता हूँ। अब मैं लेंथन कमांड का अप्लाई करता हूँ। तो लेंथन कमांड जो है आपकी, वो एक तो होम में आपको नजर आ रही होगी, होम में आपके पास है जी लेंथन कमांड, ये लेंथन कमांड है आपके पास, आप देख सकते हैं। मॉडिफाई में जाए तो मॉडिफाई में भी आपको लेंथन कमांड नजर आ रही होगी, लेंथन कमांड देख सकते हैं आप। और इसकी जो शार्ट कमांड है वो है LEN, लेंथन के लिए LEN एंटर किया, और मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखें ऑब्जेक्ट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी काम नहीं कर रही ऑब्जेक्ट, ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखें यहाँ पे इसने कुछ ऑप्शन दिए हैं, डेल्टा परसेंट टोटल और डायनामिक के लिए यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया। तो सबसे पहले डेल्टा, तो डेल्टा का काम क्या होता है, डेल्टा का काम क्या होता है कि आप अपनी लाइन को कितना बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेल्टा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डी ई एंटर करता हूँ डेल्टा के लिए, क्योंकि आप देखें डेल्टा के जो कैपिटल वर्ड लिखे हैं वो डी और ई कैपिटल लिखे हैं, तो मीन इसके लिए जो कमांड अप्लाई करूंगा वो डी ई अप्लाई करूंगा, डी ई एंटर करता हूँ, कह रहा है एंटर डेल्टा लेंथ। डेल्टा लेंथ आप कितनी देना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरी लाइन जो है 14 फुट की हो जाए, तो मैं 4 लिख के एंटर करूंगा, 4 फिट लिख के एंटर करता हूँ, और मैं यहां से इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद मैं एंटर करूंगा, देखिए 14 हो गई है। अब जितना ज्यादा क्लिक करते जाएंगे उतनी बार ये वहां से आगे बढ़ती जाएगी। अब इसी तरह मैं चाहता हूं दोबारा LEN एंटर, डेल्टा के लिए DE एंटर करता हूं, और मैं चाहता हूं ये 20 फीट की हो जाए, तो 20 फीट के लिए मैं 3 फीट दोनों साइड से बढ़ाना चाह रहा हूं, तो 3 फीट एंटर करता हूं मैं, इस पॉइंट पे क्लिक करके 3 फीट यहां से बढ़ा दी मैंने, और इस पॉइंट पे क्लिक करके 3 पॉइंट यहां से बढ़ा दी मैंने, और एंटर करूंगा मैं, तो अब देखिए 3 फीट दोनों साइडों से बढ़ गया, बस 20 फीट की लाइन आ गई। तो ये था जी ऑप्शन डेल्टा का। डेल्टा के बाद है लेंथन में LEN एंटर करता हूँ, डेल्टा के बाद है परसेंट। तो परसेंट में क्या है कि आप कितने परसेंट लाइन को बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी जो 20% लाइन है ये मीन आपकी 100% है, जो 20 फीट लाइन है ये 100% लाइन है। आप इसको कम करना चाहें तो उसके लिए आप परसेंट यूज कर सकते हैं। तो 100 के लिए मैं 200 करूंगा तो ये 40% बढ़ जाएगी, तो परसेंट के लिए मैं P एंटर करता हूं। अभी देख सकते हैं एंटर परसेंट लेंथ 100% है, तो मैं इसको करना चाहता हूं 50% करना चाह रहा हूं, तो 50% में ये 10 रह जाएगी। आप एंटर करें और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर करें, तो देखें 10 फुट रहेगी क्योंकि मैंने 50% को कम कर दिया। अब इसी तरह मैं इसको परसेंटेज पर मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए DE लेंथन कमांड के लिए LEN एंटर करता हूँ, और परसेंट के लिए P एंटर करता हूँ, और 100% को मैं देता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ,
दोबारा से वो करता हूँ, एल ई एन एंटर, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, परसेंट के लिए पी एंटर करता हूँ सॉरी, और इसको मैं देता हूँ जी 100%, 100% में 80% को कर देता हूँ, एल ई एन एंटर, परसेंट के लिए पी एंटर 80%, मीन 8% से और कम कर दिया 80% से, तो हमारे पास 10 रहेगी। 80% मीन आपकी 10 रहेगी, ये परसेंटेज कम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करेगा, परसेंटेज को ओनली कम करने के लिए यूज़ करेगा। और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए आप एल ई एन एंटर करेंगे और डेल्टा का ऑप्शन यूज़ करेंगे, डेल्टा, और इसको मैं करना चाह रहा हूँ ये 20 फीट हो, तो मैं 6 फीट एंटर करता हूँ, इस साइड से बढ़ाता हूँ, इस साइड से बढ़ाता हूँ, एंटर करता हूँ, देखें 20 फीट के हमारे पास लाइन आ गया। और इसको कितने परसेंटेज कम करना है तो उसके लिए आप परसेंटेज यूज़ करोगे। उसके बाद दोबारा लेंथन के लिए एल ई एन एंटर, टोटल, टोटल मीन क्या, आपने कितनी टोटल कितनी लाइन बढ़ाना चाह रहे हैं आप, टोटल कितनी आपकी लाइन होनी चाहिए, तो उसके लिए आप टी एंटर करेंगे, कितनी होनी चाहिए टोटल जी, मैं चाहता हूँ टोटल हमारे पास 40 फिट होनी चाहिए लाइन, 40 फिट एंटर करें, आप अपनी लाइन को सिलेक्ट कर दें, एंटर कर दें, देखिए ये 40 फिट हमारे पास लाइन आ गया, आप देख सकते हैं, कंट्रोल जेड जेड, ओके। नेक्स्ट आपके पास एल ई एन, नेक्स्ट आपके पास ये डायनामिक, तो डायनामिक क्या होता है, आप अपनी इसको लाइन को कितने माइनस करना चाह रहे हैं, कितना माइनस करना चाह रहे हैं, तो आप माइनस कर सकते हैं, माइनस के लिए आप डायनामिक यूज करेंगे, डायनामिक के लिए डी वाई एंटर करें और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया तो देखें हमारे पास यहाँ पे लाइन आ रही है, आप देखें कितना माइनस करना चाह रहे हैं, देखें कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, कितना माइनस करना चाह रहे हैं, माइनस में करता हूँ 2 फिट, इसको माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ से, देखें 18 रह गया, 2 फिट मैंने माइनस किया, तो प्लस करना चाहते हैं तो प्लस भी आप कर सकते हैं, इसमें कितने फीट प्लस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप डी लेंथन एल ई एन एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, डी वाई एंटर, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, और मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये 18, और मैं चाहता हूँ 4 फिट ये ज़्यादा हो जाए, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये 22 आ जाएगी। तो डायनामिक में क्या है कि आप कितने परसेंट इसको माइनस करना चाह रहे हैं या प्लस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप डायनामिक का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका ऑटो कैड में लेसन नंबर 49, और आज के इस लेसन में हमने लेंथन कमांड के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेंथन कमांड के ऊपर मीन अच्छी तरह से आपको समझ आई होगी लेंथन कमांड, और इसके ऊपर आप अच्छी तरह से काम भी कर सकते होंगे। नेक्स्ट लेसन में हम एक नई कमांड्स के साथ हाजिर होंगे, और तब तक आप अपना इस लेसन पे बार बार इस लेसन पे प्रैक्टिस करें, इससे प्रीवियस लेसन पे भी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।